देश के मशहूर शायर एवं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के जन्मदिन पर आज भिवंडी कांग्रेस के नेता इकबाल सिद्दीकी ने एक अलग तरीके का कार्यक्रम करके इमरान प्रतापगढ़ी के जन्मदिन को यादगार बनाने का कार्य किया। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष इकबाल अहमद ने अपने साथियों के साथ भिवंडी के बेघर निवारा केंद्र में बेघर बेसहारा लोगों के बीच में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया एवं तमाम बुजुर्गों को फल जूस एवं बिस्किट का वितरण करके उनके साथ इमरान प्रतापगढ़ी के अच्छे स्वास्थ्य एवं उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी। हमने आमतौर पर देखा है कि जन्मदिन के मौके पर लोग केक काटकर खाना पूर्ति करते हैं, पर इकबाल सिद्दीकी की टीम ने अपने नेता के जन्मदिन पर एक अलग तरह का कार्यक्रम देकर लोगों के लिए एक नया संदेश देने का काम किया। इस कैंप में डायबिटीज, टीबी और हड्डी का चेकअप फ्री में रखा गया था। मरीजों की जांच कर फ्री में दवा भी दी गई। इस कैंप में सारा हॉस्पिटल के डॉक्टर अख्तर अंसारी, दानिश हड्डी हॉस्पिटल के डॉक्टर हजी मुजीब शेख, डॉक्टर सैयद कादिर और महिला मरीजों को देखने के लिए महिला विशेषज्ञ डॉक्टर शमा शाहिद खान, डॉक्टर इरम अंसारी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जावेद फारूकी, भिवंडी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेहाना अंसारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नफीस अंसारी, ह्यूमन राइट्स अध्यक्ष जब्बार शेख, जाकिर मोमिन, एडवोकेट अरबाज मोमिन, समदानी मुकादम, अयाज अंसारी, मुजाहिद शेख, सैयद शाहरुख, अनस अंसारी, फार्मासिस्ट अब्दुल हई खान, शकील अंसारी, आबिद सिद्दीकी की केविन जैन आदि मौजूद रहे। आज जैसा कि सभी लोग को मालूम है कि हमारे माइनॉरिटी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन, मशहूर शायर और बेहतरीन शख्सियत के मालिक राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब का जन्मदिन है, तो हमने ये तय किया था कि सिर्फ केक काट के जन्मदिन नहीं मनाना है, कुछ समाज के लिए बेहतर काम करना, उनके जन्मदिन जिसे हमेशा याद रखा जाए। तो आज हमने भिवंडी शहर के बेघर निवारा केंद्र में, जहां बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं जिनका घर नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनके बीच में हमने मेडिकल कैंप का आयोजन किया, उनका सबका चेकअप कराया, उनको फ्री में दवाइयाँ दी और उनको फ्रूट्स भी दिए कि भाई आपके लिए ये है और आप हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए दुआएं करें कि आप उनको अल्लाह लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, जिस तरह से वो कौम की खिदमत कर रहे हैं, देश के काम कर रहे हैं, इसी तरह से आगे करें। और इसी के लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। बड़ी तादाद में यहाँ मरीजों को हमने फ्रूट्स दिए, दवाइयाँ दी, तमाम हमारे दोस्त साथी ने जो सहयोग किया उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आगे भी इसी तरीके से प्रोग्राम किए जाएंगे कि लोगों की भलाई के लिए जो काम हो सको। मुझे सबसे पहले तो इस केंद्र के अंदर बेघर निवार केंद्र जो है ये एक सीख मिली है और मैं चाहूँगा कि जब भी मैं, जैसा मेरा भी जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं और मैं मना करूँगा कि मेरा जन्मदिन धूमधाम से ना मनाया जाए, बल्कि उसी पैसे को हम इस केंद्र के लिए खर्चा करेंगे। जो भी यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे खाना है या अनाज है या जो भी समस्याएं हैं, वो हम ये करने की कोशिश करेंगे आने वाला समय में। और यही मैसेज मैं अपने साथियों को और अपने लोगों को भी देना चाहूँगा कि जब भी किसी का जन्मदिन आता है, चाहे वो यहाँ का रहवासी हो या बाहर का, जैसे हम लोग अक्सर जो है बड़े नेताओं का जन्मदिन मनाते हैं, तो वो जन्मदिन ना केक काटते हुए इसी तरीके से मेडिकल या और भी बहुत सारे तरीके हैं लोगों की मदद करने की, वो काम करना चाहिए। और यही मैं सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा कि बर्थडे ना मनाते हुए लोगों की मदद करने की। आज हमारे राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी साहब का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पे हमारे इकबाल भाई ने ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रखा हुआ है, बहुत ही इनकी जो टीम ने ये चीज़ ये सोचा कि नहीं हमको केक नहीं काटना है, हमको लोगों की मदद करना है, कहीं ना कहीं ये मदद जो है दुआओं में तब्दील होगी ऐसा, क्योंकि हर नेक काम का फल देने वाला ऊपर है। हम तो इंसान है, सिर्फ अच्छा काम करना हमारा काम है, उसका फल देना ऊपर वाले का काम है और इंशाल्लाह फल ज़रूर मिलेगा, नेक काम का फल मिलता ही है। तो मैं चाहूँगा, हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब का आज जन्मदिन है, तहे दिल से आप लोग दुआएं दें और मुबारकबाद दें कि आने वाला समय हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए अच्छा हो। और फिर से मैं आप पूरे टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे, शुक्रिया बोल।
सारे पेशेंट देखे अभी तक, तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि इन लोग को देखते हुए ऐसा लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, एक्चुअली तकलीफ में है। तो देख के अच्छा लगा, दिल से खुशी भी हुई कि चलो आज हमारा जो प्रोफेशन था वो हमारे कुछ अच्छे काम के लिए काम आया है। अभी तक तो हमने अच्छे पेशेंट को ही देखा है कि गरीब पेशेंट मतलब इस तरह से गरीब नहीं थे जिसको आज देखा है। उनके पास कुछ भी नहीं है, बेबस है, लाचार है, मजबूर भी है, उस तरह के पेशेंट है जिसको देख कर। एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।